पिछले साल केंद्र सरकार ने दो आवश्यक वस्तुओं दाल और खाद्य तेल की कीमतों को कम करने के लिए कई कदम उठाए थे। जल्दी आयात से लेकर स्टॉक सीमा लागू करने तक के फैसले देखे गए थे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कीमतें उपभोक्ताओं को ज्यादा परेशान ना करें। सोयाबीन और तुअर की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। कई लोगों का कहना है कि कीमतों के स्थिर रहने का असली कारण किसानों द्वारा बेचने के बजाय स्टॉक करने का निर्णय है। केंद्र सरकार पिछले साल फरवरी से खाद्य तेलों में महंगाई को काबू करने के लिए लगातार कदम उठा रही है, जो आयात शुल्क में कमी के साथ शुरू हुआ था और स्टॉक लिमिट पर आकर समाप्त हुआ, जिसके कारण सोयाबीन की कीमतें जो महाराष्ट्र की कुछ मंडियों में 10,000 रुपये प्रति क्विंटल को पार कर गई थी, जल्द ही सितंबर अक्टूबर के आसपास 5,800 से 5,900 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर गई। अगस्त में केंद्र ने पोल्ट्री इंडस्ट्री को बचाने के लिए जीएम सोयमिल के आयात की अनुमति दी थी, जिससे सोयाबीन किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। वर्तमान में सोयाबीन की कीमतें 6,000 से लेकर ऊपर में 6,700 तक देखने को मिल रही हैं। किसानों ने काफी महंगा बीज खरीदकर सोयाबीन की बुआई की थी और इन दामों से किसानों की लागत नहीं निकल रही है, जिससे वे अब सोयाबीन को बेचने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। किसानों को पता है कि विदेशों में सोयाबीन की कीमतों में तेजी बनी हुई है और उत्पादन में थोड़ी गिरावट रह सकती है। किसानों को उम्मीद है कि आगे चलकर उन्हें सोयाबीन की अच्छी कीमत मिल सकती है और इसी उम्मीद में किसानों ने सोयाबीन को फिर से स्टॉक करने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।